शिवपुरी में यातायात सप्ताह के दूसरे दिन बिना हेलमेट वाहन चालकों पर कार्यवाही को लेकर भाजपा सांसद केपी यादव के प्रतिनिधि मयंक दीक्षित और यातायात थाना प्रभारी रणवीर सिंह यादव के बीच नोकझोंक हो गई। इधर मयंक दीक्षित का आरोप था कि हमारे कार्यकर्ता के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की है, जबकि इस मामले में यातायात पुलिस ने बताया कि वे शासन के आदेशों के अनुसार चालानी कार्यवाही कर रहे हैं। यहां यह बताना आवश्यक हुआ कि इसमें पूर्व भी सांसद प्रतिनिधि मयंक दीक्षित की कुछ पुलिस कर्मियों से चालानी कार्यवाही को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच भी कर दिया गया था। आपको बता दें, माधव चौक पर एक युवक अजमेर लोधी की बाइक को यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए रोका और युवक ने तत्काल सांसद प्रतिनिधि मयंक दीक्षित को फोन लगाया और यातायात थाना प्रभारी से बात कराने को बोला। कुछ देर बाद माधव चौक पर मयंक दीक्षित आ गए, जिसकी यातायात थाना प्रभारी से अच्छी खासी बहस हुई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। नाम है तुम्हारा? वेदांत चंद्र। अच्छा, ये जो क्या कुछ ये पूरा मामला है, ये पूरा मामला ये है कि एक तथाकथित पुलिस अधिकारी यहाँ पे अपने ईगो पे प्रेस्टीज पॉइंट पे लेके एक कार्यकर्ता, जब हमारा चालान काटा, उनका चालान काटा, तो चालान काटने के बाद आपका अधिकार ये है कि आप उसको रसीद दे के आप उसको छोड़ दें। उसके लिए आप इतना बड़ा क्राइम क्या समझ रहे हैं कि उसको आपने थाने में लाके रख लिया। गाड़ी को ला उसी का विरोध, उसी का विरोध करने जब हम यहाँ आए तो हमारे कुछ कार्यकर्ता पहले आ गए, तो उनको अंदर ले जा रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देके वो मारते हुए अंदर ले जा रहे हैं। उसके बाद और कार्यकर्ता गए, जब भारत हम लोगों ने पूछा कि आपने किस धारा के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया, तो ये कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, वो खुद अंदर गए, स्वयं अंदर गए। तो एक बात बता दें कि भैया, जब स्वयं अंदर गए तो उनकी मोबाइल क्यों आपने जब्त किए थे कुछ समय के लिए? और कार्यकर्ता केवल एक चालान के लिए अभी तक उसमें बिठा रखा है थाने में, और जब हम पूछ रहे हैं संबंधित पुलिस अधिकारियों से कि आपने अंदर क्यों बिठा रखा है, तो वो बोल रहे हैं कि रणवीर जी आएंगे, वो कार्रवाई कराएंगे। तो पुलिस कार्रवाई से पहले, बिना किसी सूचना के पहले, बिना किसी एफआईआर के पहले कार्यकर्ता को अंदर बिठाई हुई है। इसी का विरोध हम यहाँ कर रहे हैं और फिर थप्पड़ मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं हुआ। किसी भी सामान्य नागरिक को आप इस तरीके के बर्ताव नहीं कर सकते। चालानी कार्रवाई किस चीज की और कहाँ पे की जा रही है? चालानी कार्रवाई चौराहे पे चल रही थी। चालान का हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर नियम कोई पालन नहीं कर रहा उस पर आप करें चालान, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको थाने में लाएंगे। इसी का विरोध कर रहे हैं, गाली गलौज करेंगे, मारेंगे, ये कोई तरीका नहीं। और उस व्यक्ति को मारा गया जिसका कोई लेना देना नहीं इस घटनाक्रम से, वो केवल ये पूछने आया था कि मेरे दोस्त को अंदर क्यों रखा है। हमारा ये है कि भैया, हमारी मांग ये है कि जिस एसआई ने भी या जिस भी कांस्टेबल ने हमारे कार्यकर्ता को थप्पड़ वगैरह मारा है, गाली दी है, उस पर कार्रवाई हो, और जिस तरीके से इनका बर्ताव है इन पर भी कार्रवाई होना हम यही मांगे। अगर उसके बाद भी आपका सुनवाई नहीं होती नहीं, जब तक देखिए कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम यही मांगे। राज्य चालानी कार्रवाई कर रही है, क्या चालानी कार्रवाई कर रही है? ये हमारा सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ है कल से, 11 तारीख से 17 तारीख तक चलने वाला है, जिसमें कल दिनांक 11 को अभियान के तहत स्कूलों में जाके आम जनता को हेलमेट के प्रति या फिर नियमों के प्रति समझाइश दी गई है। आज दूसरा दिन है इसमें बिना हेलमेट पर कार्रवाई करने का हमारा है, जो मैं मिला है कि आज दो जो बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। इसमें ये भी है कि लाइसेंस सस्पेंशन भी होगा इनको, क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है सड़क दुर्घटनाओं से ज़्यादा जो मृत्यु दर है उसमें बिना हेलमेट के कारण हो रहा है। लोग समझ नहीं रहे हैं, लगातार पुलिस काम कर रही है उसमें कि बिना हेलमेट वाले हेलमेट लगाएं। हमने कई अभियान चलाए, उसके बाद भी देखने में आता है कुछ दिनों तक चलता है, उसके बाद धीरे से ये हेलमेट रख देते हैं। हम इनको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हेलमेट आपके लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए है, उसको समझिए। हमारे शिवपुरी में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें देखने को आया कि बिना हेलमेट के डेथ हुई, अगर हेलमेट होता तो डेथ नहीं होती जी। तो यही हम आज भी समझा रहे लोगों को। अभी तक कितने वाहनों चालानी कार्रवाई कर? अभी लगभग 20 वाहनों पर कार्रवाई हुई है और ये अभी तक चलेंगे और निरंतर। कल हमारे जैसे सीट बेल्ट का है जी, शराब पी कर वाहन चलाना, लगातार सप्ताह में इस कार्रवाई है, लोगों समझाइश की और कार्रवाई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।